10 मिनट बाद में जाएंगे, स्वीकार कर रहे हैं ना, ठीक है स्वीकार करो, 10 मिनट बाद में कर दिया ठीक। हरे कृष्णा। हाँ देखो कहते श्री उनको जो दो बेटे थे उत्थानपाद और प्रियव्रत, कहते उत्थानपाद के दो पत्नी है, एक सुरुचि और एक सुनीति। कहते सुनीति का बेटा कौन है, कहते उत्तम है। बोले सुरुचि का बेटा कौन है, ध्रुव है। और श्री सुरुचि का बेटा कौन है, उत्तम है। हाँ यहाँ से क्या देते हैं कि उत्थानपाद ये जीव है। उत्थानपाद का मतलब क्या, पाद मतलब होता है प्यार, उत्थान मतलब ऊपर। मतलब हम जब गर्भ में आते हैं कि भगवान कपिल देव कहते बोले माँ गर्भवास एक नर्कवास है, प्यार रहता है ऊंचा सर रहता है नीचा, वो टाटी पेशाब के बीच में रहता है, केवल ऊपर से एक छोटी सी केवल पतला एक कवर रहता है। इसलिए हम जीव ही उत्थान पाते हैं। कहते हमारी दो दो सबका दो दो पत्नी है। कहते देखना हमारा दो मन दो तरह का है, कभी कभी देखना ये मन अच्छे काम में जाते हैं, अच्छे चिंतन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये मन गंदे काम में भी चले जाते हैं, हैं? कभी कभी गंदे काम में चले जाते हैं ये मन। इसलिए समझो हमारी ये दो पत्नी है, एक एक सुनीति। सुनीति मतलब जिसकी नीति बहुत अच्छी नीति है। इसलिए नीति तरह तरह का नीति बताया, एक है चाणक्य नीति है, एक चाणक्य नीति है, इसलिए एक राजनीति है। नीति तरह तरह का नीति है, लेकिन सबसे बढ़िया नीति किसी का बोले विदुर नीति। आप लोग विदुर जी की कथा सुनो, विदुर नीति सबसे श्रेष्ठ नीति। विदुर छोटे घर में जन्म हुए हैं, लेकिन कभी उसने दुर्योधन का साथ नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने पांडवों का ही पक्ष समय दिया, इसलिए धर्म का पक्ष दिया, इसलिए उसको दुर्योधन इतने बुरी तरह से गाली दी, उसने लास्ट में मंत्री पद को त्याग दिया, लेकिन कभी उसने दुर्योधन का मत कभी भी पक्ष नहीं दिया है। कहते सबसे बढ़िया नीति श्री विदुर नीति है। कहते अगर श्री विदुर नीति को अपनाओगे, सूर नीति को अपनाओगे, बेटा कौन होगा, बोले ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या, सत्य नित्य शाश्वत, जिसका फल हर समय बढ़िया फल निकलेगा। अगर सुरुचि, सुरुचि मतलब होता है अपना रुचि है, अपना रुचि है। देखना अक्सर करके हमारा जो रुचि है वो गंदी चीज में जाती है, अच्छी चीज में नहीं जाती है। अगर गंदी चीज में अगर रुचि जाएगी फिर उसका बेटा कौन होगा, उत्तम। उत्तम मतलब निकल जाना, जिससे उत्तम निकल जाती है क्या रह जाती है, गंदी रह जाती है। इसलिए राजा जब उन्होंने सुरुचि के साथ में शादी की, बड़ी पत्नी थी कौन, सुनीति, लेकिन अभी वो हो गई पुरानी, अभी नई पत्नी। इसलिए नई पत्नी कैसे लगती है, पहले लगती है चंद्रमुखी, फिर ज्वाला, फिर तो सूर्यमुखी, आते फिर ज्वालामुखी। अभी नई नई घर में आए ना शादी करके, इसलिए राजा ने इसकी बात नहीं सुनी, राजा ने इसकी बात नहीं सुन करके सुनी सुरुचि की बात उसने सुनी है, इसलिए अपना पत्नी को उसने त्याग दिया। और ध्रुव जी को गाली दिया तो ध्रुव जी दुखी होकर के मैया के पास में आए। मैया ने कहा इसके गोद में क्यों बैठो, लो बैठना तो ठाकुर का गोद में बैठो ना, ये कब तक रहेगा राज्य कब तक रहेगा, बेटा जाओ भगवान की गोद में बैठो, जिसको गोद में बैठोगे ना कभी वो उतरने का जरूरत नहीं, इससे करोड़ों गुणा प्रेम देने वाले ठाकुर जी। बोले माँ कहाँ मिलेंगे, बोले बेटा उनको तो कठोर तपस्या करना पड़ेगा बेटा। तो उन्होंने भजन करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेकर गए और इतनी उतावला हो गए प्रभु को पाने के लिए। लेकिन जब तक कहते ना बिनु गुरु भवन की तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। इसलिए जब तक बिरिंच ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो, अगर कोई सदगुरु नहीं अपना हो तो उद्धार नहीं हो सकते हो। भगवान श्री नारद जी को भेजे, बोले उसको अच्छे तरह से परीक्षा करके मंत्र दो। उन्होंने ठोक पीट करके परीक्षा की, बोले कोई भजन का समय, घर में जाओ पिताजी ढूंढ रहे हैं तेरे को। मैया थोड़ी सी कठोर बात बोल के भजन करने के लिए चले आए। बोले आप कौन हो, बोले नारद जी। कहते लगता है आप नारद नहीं, कोई डुप्लीकेट नारद आ गए। बोले क्यों, बोले मैंने सुना नारद जी सबको भक्ति की रस उपदेश देते हैं, इसलिए इनका नाम नारद, नारद जो रद्दी कभी नहीं होता है। नर मतलब होता है रस, द मतलब सब कुछ रस दे, नर मतलब ज्ञान, द मतलब ददाती, जो सबको ज्ञान दे। अब तो कह रहे हो संसार में जाओ, अगर आप सचमुच से नारद हो मेरे को तो पूर्ण विश्वास हो गया भगवान हमें मिलेंगे। बोले क्यों, बोले आप जैसे संत का जब दर्शन हो जाता है भगवान तो जरूर मिल जाते हैं।
आप श्री हनुमान की कथा सुने होंगे, जब हनुमान मान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचे लंका में। जब लंका में पहुंचे सोच रहे उतरू तो कहां उतरू, चार तरफ नरम हथियार आंखें से हठात उन्होंने के तुलसी की बगीचा को देखा। बोले लंकापुर में तुलसी बगीचा कहां से आ गई। उसको देख करके उतरे, फिर देखा घर में सामने श्री राम। बोले अरे मेरे प्रभु का नाम कैसे। फिर रामा की दबा बने उसमें। बोले तो लगता है कोई पूरा के पूरा लगता है भगवान कोई भक्त रहता है, लेकिन सोचा हो ना हो मेरे को भ्रमित करने के लिए तो कोई इसको लगा नहीं दिया किसी ने। अंदर में प्रवेश किया, देखा विभीषण जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम का नाम निकल रहा था। बोले पक्का भगत है, जो कपटी व्यक्ति की रोम रोम से कभी प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, जो संपूर्ण प्रभु की भजन में सराबर हुआ हो केवल उसकी रोम से ही राम राम निकलेगा। देखो यहाँ पर भजन करने वाले के लिए कुछ शिक्षा देते हैं। अभी प्रश्न है वो रावण का राज्य है लेकिन घर को सामने श्री राम ने सौंप दिया है, बहुत अच्छी बात सिखा दी। हम लोग ये बात को लेकर के साथ में जाना, किसने जाकर के रावण को चुगली किया। बोले तू तो रावण को मानते हो राम को मानते हो शत्रु। बोले हाँ। बोले तेरे घर में तो राम का सबसे प्यारा भक्त तेरे घर में। बोले कौन है। बोले तेरे सगे भैया। बोले तेरे को पता कैसे चला। बोले जा घर में देख कर क्या उसको घर के सामने क्या लिखा हुआ। रावण भक्त भक्त आया, देखा लिखा हुआ श्री राम। बोले विभीषण मेरे शत्रु का नाम तुमने कैसे लिख दिया। बोले कहां पर बोले क्या लिखा हुआ श्री राम। बोले कहां श्री राम दिखता है, मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना इसलिए उनका नाम। बोले कैसे। बोले आपका नाम क्या। बोले रावण। बोले पहला अक्षर क्या। बोले रा। बोले भाभी का नाम क्या। मंदोदरी। पहला अक्षर क्या। म। बोले श्री राम म। बोले भाभी और भैया बस खुश हो गया खुश हो गया। हाँ अभी तो बड़ा बड़ा वक्त है। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जो भक्ति करने वाले हैं ना उनको यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। देखना अब कोई उल्टा पुल्टा काम करना कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दो। कल में कंठी तिलक लगा, बोले कौन सा बीमारी तुम्हारी हो। ये अभी से की क्या तिलक कंठी माला क्या जप कर रहे, लेकिन गंदा काम करना बेटा। अगर भले ही शराब पिए सिगरेट पिए बोले वेरी गुड, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं भजन करने वालों को ऐसे ही भक्ति किसी तरह से कर लो। जब श्री हनुमान जी से विभीषण की साक्षात कर हुई, अरे विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त है। विभीषण कहता है आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता, जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी तो मैं घर से ठहरी। आज तो मेरे को लगता है प्रभु राम की मेरे ऊपर में बहुत कृपा है, आज हनुमान मिल गए मतलब प्रभु हमें मिल गए, ठाकुर जी हमें मिल गए। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं आज अगर आप सचमुच से नारद है मेरे को तो पक्का विश्वास हो गया ठाकुर मेरे को प्राप्त हो जाएगा, पाने में कोई देर नहीं, केवल आप मेरे को मंत्र प्रदान करो आप देखो मैं क्या करता हूँ। बास उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान की। बोले मथुरा में चले जाओ, यमुना में त्रिसंध्या स्नान करना, प्रभु की स्वरूप का वर्णना की। उन्होंने 6 महीना में भगवत दर्शन हो गया, 6 महीना में प्रभु का प्राप्ति हो गई है। जब भगवत प्राप्ति हो गई भगवान उनको वरदान दिए, बोले जाओ दिव्य 36,000 साल राजत्व करो पृथ्वी को प्रेम, उसको बाद में तेरे लिए ध्रुव लोक मनाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगा तेरे को स्मरण करते रहेगा। अभी भी हम ध्रुव तारा को स्मरण करते हैं। जिस समय ध्रुव महाराज मुक्ति होकर गए वो स्वयं काल आया, मृत्यु स्वयं। बोले तुम है कौन। बोले काल मेरे को स्पर्श किए वगैरह कोई यहाँ से जा नहीं सकते। बोले यहाँ बैठ जाओ, देखो कितने भक्ति में शक्ति है। उन्होंने काल का सर पर पैर रख दिया और रथ में बैठे। जब जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, देखो जितने माता है ना ध्यान देकर सुन दिया आपके काम है बहुत अच्छे आपको काम है। जब वो बैकुंठ जा रहे थे बोले मेरी मैया कहाँ है। बोले भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले आज जो मेरे को भगवान मिले माँ की आशीर्वाद से, क्योंकि मैया मेरे को बताई थी बेटा ठाकुर जी को भजन करो, मैया अगर उपदेश नहीं देती मेरे को मुक्ति नहीं मिलती, मैं मैया को लिए बगैर जाऊंगा नहीं। बोले देख तेरे से पहले तेरी मैया है ना कुरत में, तेरी मैया जा रही, उसको बाद में पीछे पीछे गए आगे नहीं गया, माँ को पीछे पीछे गए। हाँ देखो माता है अगर आप बच्चों को भगवान की भक्ति की शिक्षा दोगे ना बैकुंठ पहले आप चलो, आपको बेटा बाद में चलेगा, पहले बेटा नहीं पहले माँ जाएगी।
अगर भक्ति की शिक्षा नहीं दोगे, बच्चा अगर गलत रास्ता पर गए तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। देखो कि नरसिंह भगवान खुद कहते हैं वंश में एक बेटा अगर भक्ति करे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। कभी जितने पूर्वज जहाँ पहले चले गए वो नाचने लग जाते हैं, जो पिता माता उसको जन्म दिए उनका जीवन धन्य हो जाता है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। इतने लाभ एक बेटा भजन करे, और अगर भजन नहीं करे, ये पुराण में कथा आती है, कहते एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, वहां सेवा हो रही थी, लेकिन वो रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने पूछा तो यहाँ पर रो रहे क्यों, इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया? बोले मेरे से भी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने भक्ति के मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उससे शराब पी रहे, मांस खा रहे, जुआ खेल रहे, मैंने वो पैसा कमा करके आया था, मेरे पैसा है, इसलिए मेरे को ये स्वर्ग में इसका पाप भी छोड़ दिया। समझ गए कि नहीं? केवल बच्चों को जन्म देना सब कुछ नहीं, इसलिए बच्चों को भक्ति की मार्ग दिखानी चाहिए। हम सुमित्रा का नाम सुने होंगे, लक्ष्मण की मैया है। जब राम सीता वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण माँ के पास में आए, बोले माँ मेरे को आदेश दे, सीता और राम की सेवा में चले जाओ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुवती जगत हुई, रघुपति भक्ति जासुसुत हुई। बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म देकर के जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले राम सेवा की सीता, सेवा की सीता में तुम जा रहे हो। कहते उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता है। अगर बच्चे अगर प्रभु की भजन की, देखो दूसरी लाइन में क्या कहती है, अगर हमने बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाई, सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना सही, वो मना करती है बच्चों को जन्म मत दो, एक तो मना करती है। बोले क्यों? आपको पता होगा 10 महीना तो गर्भ में धारण करोगे, प्रसव पीड़ा सहन करोगे, मुंह की खाना निकाल करके खिलाओगे, गिली में सो करके सूखे में सुलाते हो, लेकिन अगर बच्चे कुकर्म किए उसका पाप भी नर्क में होगा। इधर जन्म भी दो उधर भोग कर, इसलिए दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चे को भजन में नहीं लगा पाया, बच्चों को जन्म मत दो, मना कर देती है, क्यों उसका कष्ट फिर तुम उठाना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या करनी चाहिए? पहले हमें पहले भक्ति करना पड़ेगा, पहले हमको भक्ति करनी पड़ेगी। गला में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, भगवान का नाम जप करोगे ना, फिर क्या करोगे? बच्चों को भी सिखा दोगे, बेटा चलो तुम भी चलो, तुम भी भक्ति, तुम भी गीता पढ़ो, थोड़ा रामायण पढ़ो, तू एक माला जप कर, तभी तो बोलोगे। अगर खुद माला नहीं जप करती हो, भक्ति नहीं करते, बच्चों को फिर क्या सिखा दोगे? पहला गुरु तो पिता माता है, पहला गुरु पिता माता है, इसलिए पिता माता को पहले हमें भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कहते श्री अजामिल का कथा, अजामिल की कथा में सिखा है, अजामिल का जो सबसे छोटा बेटा था उसने नारायण नाम रखा। पहले ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, जितने सारे सद्गुण था। एक दिन जंगल में जंगल की लकड़ी फल मूल लेने के लिए गए, एक वेश्या को शूद्रों को साथ में मिलते हुए देखा, शराब पी करके। देखो ये गंदी चीज कितने संस्कार गलती डालता है। एक बार केवल गंदा चीज को उसने देख लिया, उसका हृदय इतना अपवित्र हो गया, इतने गंदा हो गया, पत्नी को त्याग दे दी और एक वेश्या को साथ में रहे, उसको हाथ में अमित कुमेर खाया। उनको 10 बेटे हुए, लेकिन छोटा बेटे का कैसे नाम मारा गया? और सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है। बात बात में नारायण इधर आ जा, नारायण पानी लिया, अंतिम समय में जमदूत उसको लेने के लिए आया, और उसने केवल अपना बेटा का नाम नारायण ले लिया। तो एक तरफ में जमदूत, दूसरे तरफ में विष्णुदूत। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। देखो ये जितने इसमें जो अच्छी अच्छी शिक्षा है, मैं जितने कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखो साधारण जगत में कथा सुने होंगे, बहुत भागवत कथा सुने होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं आपको जितने शिक्षा की बात आप दे सके। ऐसे नहीं कथा खत्म और हम भी खत्म, व्यास आए पैसा लिए और गए, हम 7 दिन बाद में झोली खा लू, नहीं। हम चाहते हैं आपको 7 दिन में ऐसे चीज दे करके जाए जैसे लगे हमें कुछ मिला है। खाली झोली से यहाँ से नहीं गए, जाते समय पूरा झोली भर करके गए। ये परिकित क्यों वैकुंठ गए? कारण क्या? वो 7 दिन में ऐसे कथा सुने सुखदेव से, उनकी पूरा संपूर्ण रूप में इसके मन भगवान के भजन में लग गए।
तभी तो भगवत चरण को प्राप्त किया ना, इसलिए हम चाहते इसका जो अच्छे अच्छे जो शिक्षा है एक एक करके आपको समझाए, जैसे कम से कम एक एक शिक्षा को लेकर के जाओ अपना जीवन में। इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम कैसे नारायण रख लिया, और नारायण लास्ट समय में किसी तरह से बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं। हम काय वर्ण वाक्य में कर्म करते हैं तीन जमदूत द्वारा, तीन जमदूत नारायण ये चार अक्षर चार विष्णु लोट दोनों में लड़ाई हो रही है, इसको कौन लेकर के जाएगा? विष्णु तो कहते हम लेकर के जाएंगे, जमदूत कहते हम लेकर के जाएंगे, कौन लेकर के जाएगा? विष्णु तो कहते तुम लेकर जाओगे, पता नहीं। ये जन्म लिया ब्राह्मण घर में, ब्राह्मणी को त्याग करके वैश्या को साथ में रहा, हमें दुख में दिखाया, चोरी गुंडा गर्दी किया, सीधा जाएगा नरक। बोले भैया कुछ पुण्य भी तक किया? बोले क्या पुण्य किया? बोले अभी जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह जिंदगी भर पाप करो मरते समय नारायण नाम लो। इतने में विष्णु दूत कहते तुम्हें भगवान के नाम की महिमा क्या पता, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम ही। उदाहरण दिया जैसे भूस का ढेर पर्वत और रुई का, आग की एक चिटका ही लगे तो सबके कब खाक कर देता है, उसी तरह भगवान का जो नाम है भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। देखो फिर उन्होंने जमदूत फिर उन्हें क्वेश्चन करते हैं, बोले भगवान कब बुलाया? वो तो अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था। विष्णु तो कहते हैं उसने जब उन्होंने बेटा का केवल नाम नारायण रख लिया उसको सारे पाप से मुक्ति हो गई। बेटे को जो बारंबार नारायण नारायण बुलाया ये हो गया जैसे माला जब करते हैं, जब अंतिम समय पर जो भगवान का नाम लिया ये भगवान की विशेष कृपा। बोले तो वो तो बेटा का नाम लिया, भगवान का नाम लिया कैसे? तो वो कहते नहीं, वो नाम है किसके? नाम भगवान का नाम, केवल उसको धराया गया था, नाम तो उसका नहीं ना, नाम किसकी? वो ठाकुर जी के नाम उसको धराया गया था। उन्होंने बताया चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है, बोले सांकेत्यम पारिहासम स्तोव और भिला, ये चार तरह से प्रभु का नाम लेता है। सांकेतम मतलब था इशारा करके, जैसे बेटे का नाम कृष्ण गोविंद राम रख लिया, बारंबार बेटे को बुलाते हो बेटा राम इधर आ जाओ कृष्ण आ जाओ, इसको संकेत कहते हैं। इससे भी बेटा का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। इसलिए आप देख लेना जितने पहले पहले जितने सब आप बड़े बूढ़ों का नाम पूछो सब भगवान का नाम होगा, सबका नाम पूछ लो कृष्ण गोविंद गीता सीता है ना, सबका सब सबका सब भगवान का नाम होगा। अभी मैं गया था कथा करने के लिए मध्य प्रदेश में, आप सोच नहीं सकते जितने व्यक्तियों का नाम देखा, ठाकुर के नाम छोड़कर और कोई नाम नहीं मध्य प्रदेश में देखा, और जितने माताएं वहां पर पूरा परिवार कथा सुनने के लिए आए थे, हाँ राम प्यारी गीता प्यारी ललिता विशाल सब ऐसे नाम रखा। लेकिन अभी बच्चों का नाम देखो टिक्की टुल्लू बुल्लू नहीं, जितने ये सब विदेश में ना सब कुत्तों का नाम है, ये सब विदेश में सब कुत्तों का नाम सब नाम धरवाते हैं, कहते भगवान का नाम कैसे धराए देंगे? अभी लोग चाहते नहीं, जितने अंग्रेजियों का जितने ना उनका जैसे नाम रखवाना चाहते हैं। आप वृंदावन में जाओ स्कूल में जाओ उनको छोटे छोटे बच्चों को नाम पूछो कितने सुंदर सुंदर उनका नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कन्हैया है, लड़की को गीता सीता उनका नाम, लड़की को नाम उल्टा उल्टा नहीं, हम कहते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अगर थोड़ी सी अंग्रेजी बोलते ना वाह क्या अंग्रेजी बोलता है वो लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहते, राधे राधे हरे कृष्ण वो हमारी शिक्षा को ले रहे, और हम लोग सारे अंग्रेजी से खान पान रहन सहन कहते ब्याह का स्टाइल, हम तो बड़े एडवांस बने हैं, हमारी जो संस्कृति है ना अच्छी संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों का संस्कृति हमारी है। इसलिए ये संस्कृति अब समझो, जब तक ये संस्कृति अब घर में ना अब समझना घर में शांति सुख है, उनकी संस्कृति में शांति सुख नहीं, प्रेम नाम का कोई चीज नहीं, वो कभी वो जो बात करते हैं ना दिमाग से बात कर दिल से बात नहीं करते हैं। मैं विदेश जाता हूँ ना अब बहुत कुछ उनके लिए किया थैंक यू बस इतना बोल दिया सब गया, इतने थैंक यू बोलकर सब गया, लेकिन भारत में एक बार अगर हमें कोई थोड़ी मदद करे हम जिंदगी में भूलते नहीं, हम उसको मदद करते हैं उनको मदद करते हैं, इसलिए वो हमारी जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, अपना संस्कृति को हमें अपनानी चाहिए। इसलिए आप लोगों बच्चों का नाम उल्टा पुलटा नाम नहीं धरवाना, क्या नाम धरेगा? देखो ये जो नाम है ना देखो ध्यान देकर सुनो, ये नाम एक साइंस है, और क्या साइंस नाम है देखो अच्छे तरह से समझो, आपको पता होगा जब शादी होता है कुंडली मिलाते हैं ना, भैया कुंडली क्यों मिलाते ऐसे क्यों शादी नहीं करते थे, ये कुंडली क्यों मिलाते हैं?
भले ये लड़की जा करके अपना ससुर घर में सुख साथ में रहे, पति पत्नी सुख साथ में, पति पत्नी आनंद पूर्वक रहे, तभी तो हम कुंडली मिलाते हैं ना। कुंडली कब मिलता है? जिस समय वो बच्चा जन्म लिया, जिस नक्षत्र में वो बच्चा जन्म लेता है, वो नक्षत्र को देख करके बच्चा का नाम धराया जाता है। कहते ना कोई अक्षर पहले निकलता है, फिर वो अक्षर पहले रख करके बच्चों का नाम देते हैं, तभी कुंडली जाकर के अंतिम समय में मिलेगा, नहीं तो कुंडली मिलेगा नहीं अगर उल्टा उल्टा नाम धरवा दोगे। मैं गया था कथा करने के लिए रोहिणी, जब कथा खत्म हुई ना इस बात में बता रहा था, एक माता जी मेरे पास में आए, बोले बाबा आप सही बता रहे। बोले क्या सही बता रहे? बोले मेरे दो बेटी, मैंने कोई पंडित खंडित को पूछा नहीं, वही से नाम रखवा दिया। जब शादी के समय आया कुंडली मिला ही नहीं कुंडली, हमने कहा कोई बात नहीं बच्चों को शादी करवा दिया। शादी करवा दिया तो वो ससुर घर में गए और महाभारत दोनों ही लड़की गए, दोनों ही लड़ाई झगड़ा और दोनों लड़की आकर घर में बैठे। तो ये कितने बड़े साइंस है, इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो हमें विधान दिया है ये एकदम प्रॉपर ये साइंस है। अगर इसको लेकर के हम चलेंगे ना, हम संसार में भी शांति और सुख और संसार में भी हम आनंद पूर्वक रहेंगे। इसलिए देखो उन्होंने बेटा का नाम नारायण रखा तो बस नारायण बोलते बोलते उधार है। इसलिए आप लोगों भी अपना बच्चों का नाम क्या रखना, हाँ सबके सब ठाकुर जी का नाम रखो, बारम्बार मुंह से ठाकुर का नाम निकलेगा, उनको कानों में भी ठाकुर जी का नाम जाएगा, घर में भी ठाकुर जी का नाम गूंजेगा, सबका कल्याण इसमें, घर वाले का जो बुलाएगा सबका भी इसमें कल्याण है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले श्री बामन भगवान की जय। हाँ बामन को तैयारी कर लाने के लिए, हरे कृष्ण, आप लोग बामन को तैयारी करो यहाँ लाने के लिए, बच्चों को ले। कहती है देवता दैत्य में जब लड़ाई होती थी, अगर ये देवता मरे तो मर जाए, लेकिन जब ये दैत्य मरते हैं ना, इनका गुरु श्री शुक्राचार्य ये बच्चों को फिर जिंदा करते। एक दिन देवता लोगों ने भगवान के पास में गए, बोले हम अमर कैसे बनेंगे? बोले ये समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसको पी करके अमर बनेंगे। अभी समुद्र मंथन किया तो पहले सबसे पहले जहर निकला, शंकर जी टन को टन जहर शंकर जी पान करते। फिर समुद्र मंथन हुई, फिर निकला लक्ष्मी। अब लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए, सब बोले लक्ष्मी हमें चाहिए हमें चाहिए। लक्ष्मी बोले नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइन करके खड़े हो जाओ, मैं अपना उपयुक्त वर्ग में चुनूंगी। लेकिन उनमें सबको पास में गए कुछ ना कुछ दोष दिखे, लेकिन जब श्री नारायण को पास में गए सर्व गुण संपन्न श्री नारायण मिले, तो उन्होंने नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर निकला अमृतम, अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता बोले हम पिएंगे, दैत्य बोले हम पिएंगे, भगवान महीनी अवतार लिए। बोले दो लाइन करके बैठे, तुमको दोनों को मैं बांट दूंगी। बोले देवता को तो पहले ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देती हूँ और तुम लोगों को घड़ा घड़ा पिलाऊंगी। बोले महीनी अमृत नहीं मिले कोई बात नहीं, तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा अगर तू मिल गई तो। इतने में भगवान देवता को तो अमृत पिला रहे थे, लेकिन दैत्य की तरफ से थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराहट से और तिरछी नजर से देख रहे थे। अमृत बांटते बांटते जब अमृत खत्म होने जा रहा था, इतने में एक स्वर नाम भान नाम का दैत्य बीच में आकर बैठ गया। उसने अमृत पान कर लिया, चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान चक्र बुलाया और उसको गले को उन्होंने काट दिया, एक राहु और एक हो गया केतु बन गई। इसलिए चंद्र सूर्य ग्रहण होता है, भगवान अमृत समाप्त होते ही कलश को फेंके और ठाकुर जी चले गए। जब चले गए देवता तो अमृत पी चुके अमर हो गए। फिर दोनों में घमासान लड़ाई हुई, जब घमासान लड़ाई हुई दोनों में, देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, दैत्य को तो जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना, उन्होंने काटना शुरू की। ब्रह्मा जी ने देखा दैत्य समाप्त हो जाएगी, बीच में आकर को उन्होंने युद्ध को उन्होंने बंद किया। जब युद्ध को बंद किया उन्होंने, इतने में फिर तो अपना शुक्राचार्य मंत्र को दर्शन को जिंदा कर दिया। दैत्यों का जो गुरु श्री राजा श्री बलि महाराज ने एक बहुत बड़े यज्ञ किया जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ। वो यज्ञ से एक रथ निकला,
वो रथ के ऊपर जो बैठ करके युद्ध करके कोई परास्त नहीं कर सकता है। खैर उन्होंने देवता के ऊपर में चढ़ाव करके सारे देवता को मार मार कर भगा दिए देवता। इतने में देवता मुझे माता अदिति कश्यप जी से प्रार्थना की, मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले एक काम करो, तुम पय व्रत करो, केवल 10 दिन का ये व्रत है, ठाकुर को खीर ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी प्रकट होकर के फिर तुमको स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। और उन्होंने यज्ञ किया तो कहते श्री है बामन देव प्रकट होंगे। बोले श्री बामन भगवान की जय, जय जय श्री राम। उनको बच्चे को बोला मैं एक फूल की माला डाल दो, लो एक फूल की माला ले लो, ये की माला ले लो, भागवत से की भागवत से माला ले लो, भागवत से देना, यहाँ से ले लो, एक मिनट लेकर से भेर हूँ जब, एक माला डाल ले जा उसको, मैं नहीं सुन रहा, बोले श्री रामायण भगवान की जय। इधर आ जाओ बच्चा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। भगवान 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 बोले श्री बामन भगवान की। जब श्री बामन भगवान प्रकट हुए उनकी उपनयन संस्कार हुई, नियम है संस्कार को बाद में बच्चे को भिक्षा करना पड़ता है। बोले गुरु जी बताओ भिक्षा क्या चाहिए? बोले मेरे को छोटे मोटे भिक्षा नहीं, हम स्वर्ग राज्य को हमें भिक्षा करके ला करके दो। जाओ नर्मदा नदी किनारे में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञों के बाद में जो जो कुछ मांगे उसको वो सब कुछ प्रदान करते हैं। जब से भगवान बामन देव वहां पर पहुंचे, भगवान का चरण को धोए, बोले आज से हमारा जीवन धन्य हो गया है, आज इतने सुंदर बालक ब्राह्मण हमने कभी देखा ही नहीं, इतने सुंदर बालक। बोले प्रभु आप जो कुछ मांगो आपको मैं झोली भर दूंगा, और कोई झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले पहले संकल्प करो फिर मैं मांगूंगा। जब संकल्प घर में जा रहे थे शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी तो भागते भागते आया, बोले बलि सावधान। बोले किस चीज की? बोले जानते हो ये है कौन? पहले जो मोहिनी बन करके आया और आपको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी अब ये मोहन बन करके आ गई। ये तीन पग जमीन मांगेगा, ये तीन पग नहीं विश्व ब्रह्मांड को ले जाएगा। ऐसे दान को दानी नहीं मानी जाती, प्रशंसा से नहीं। बलि महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, एक तो देवी आई, फिर उन्होंने शेर के ऊपर चढ़ करके बोले एक तो ठाकुर जी, फिर भिक्षा मांगने के लिए। किसका इतना सौभाग्य होगा जो भगवान को भिक्षा दे सकते हैं? बोले ठाकुर को तो मैं जरूर भिक्षा दूंगा। बोले मेरे बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले तुझे श्री भ्रष्ट हो जा, बोले सब कुछ हो जाए कोई बात नहीं, ठाकुर को जरूर दूंगा। फिर जब गए संकल्प करने के लिए, वो गंगा सागर है ना, उसमें जो नाल होता है, फिर उसमें कीड़े बन कर बैठ गया, फिर पूछ छेद किया तो एक आंख चली गई, फिर तो शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। हाँ गलतियां सिखा देते हैं, कोई अच्छा काम हो ना, कभी अच्छे काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जितने दूर हो सके कोशिश करो उसमें मदद करने के लिए, कभी उसमें हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए है। कितने में संकल्प करके भगवान ने एक चरण को बढ़ाया, भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी चरण की अभिषेक करके वो चरणामृत को कमंडलों में रखे, वही कमंडलू बन गया। कौन बन गया? माँ गंगा बन गई। बोले श्रीमती पावन गंगा देवी एक चरण को नीचे बढ़ाया, बोले अतल बीतल तलातल पाताल और सुतल लोक को चला गया। बोले बताओ तीसरे चरण में कहाँ रखूं? तीसरे चरण में कहाँ रखूं? बड़ा तो अभिमान कर रहा था, झोली भर दूंगा बताओ। इतने में उन्होंने गरुड़ों को बुला करके बलि महाराज को बांध डाला, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। यहाँ सिखा देती है पत्नी हमारी कैसे होनी चाहिए,
पत्नी का नाम पत्नी, पत्नी मतलब क्या, प मतलब होता है पतन और पी मतलब होता है पति को जो कभी पतन होने नहीं दे, पति को कभी गिरने जो नहीं दे, हर समय पति को मान को जो ऊंचा रखे, कभी पति को नीचे नहीं गिराए। वो बड़ी बुद्धिमानी थी। इतने में पत्नी बोली, ठाकुर को क्या दिया तुमने? कुछ तो दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर जी का, ठाकुर दुनिया ले ली। अरे जब तक खुद को खुद नहीं देता कुछ देना थोड़ी होता है। बोलो ना, अपना सर के ऊपर में पैर रखे। बोले महाराज खुश हो गए, वाह कैसे सुंदरी पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ, दान बढ़ाना दानी बढ़ा? बोले दानी बढ़ा। बोले अब तो दानी भी है, अब तो दानी स्वयं है। बोले बताओ कहाँ पर पैर रखे? बोले मेरे सर के ऊपर रखो। बोले ठाकुर जी तीसरे चरण में किस सर के ऊपर रखे? सारे देवता देव करके प्रसन्न हो गए। उसको भी बोले श्री बाबा ने भगवान श्री बलि महाराज की। फिर भगवान बलि को सुतल लोक में स्थान दिया। सुतल लोक है पाताल नीचे, तो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। भगवान ने बोले बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरे को एक ही चीज दो, मैं जब घर से बाहर जाऊं आपका दर्शन करके जाऊं, जब बाहर से अंदर आऊं आपका दर्शन करके आऊं, मेरे केवल इतनी सी बात दे दो। भगवान तथास्तु बोल गए। फिर भगवान क्या हो गए बताओ? बैठ जाओ, हाथ नीचे कर ले थोड़ी देर के लिए। इसके लिए एक छोटा पगड़ी लाना चाहिए था, हमने लाया नहीं। हम उसको सर पर दे दो। इसको परेशान करोगे तो रोने लग जाएगा ये। परेशान मत करो ना। ठीक ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा छोड़ दो कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। आप अगर नंद चलता है दोनों को बढ़िया कर बनाना, उनको बढ़िया से पगड़ी बनाना है। नंद बाबा बैठे हुए उनको पगड़ी बनाना बढ़िया से सुंदर करके, और आप बढ़िया चुनरी शादी का समय का चुनरी निकले उसका ओढ़ करके। कृष्ण बनाया किसी बच्चे को? हाँ बनाया, बनाया। वो भी इंतजार कर रहा है। मैं जो बोलूंगा उसको लेकर के आना। वो भी इंतजार कर रहा है। इसको बाद में आपकी बारी आएगी। ठीक है। हाँ देखो अभी दो मिनट कथा सुनो। बावन दे दो बढ़िया कथा सुनो। अभी भगवान वहाँ पर दरबार में करके छा गया। एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में। वहां पर देखा नारायण है नहीं। लक्ष्मी को पूछे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं कहीं गए, अभी तक आए नहीं। बोले ठाकुर जी विदेश में नौकर ढूंढ लिया है। बोले नौकरी ढूंढ लिया? बोले किस चीज की नौकरी? बोले दरबार की नौकरी। बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज के। बोले हे भगवान ठगने गए, स्वयं ठग गए। इतने में माँ लक्ष्मी आई, देखा भगवान दरबार में बैठे हुए, जागते रहो जगते रहो। लक्ष्मी बोली यही कसर रह गई थी। बोले बोलो मत, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। रोज बलि महाराज दान देते हैं। देखो जिस लाइन में साधारण व्यक्ति खड़े, माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। जब माँ की नंबर आई, बलि महाराज बोले मांगो, बोले पहले संकल्प करो। बोले संकल्प की क्या जरूरत है? पहले एक संकल्प कराने वाला पहले आया था, तुम दूसरे आगे, लगता है कुछ गड़बड़ी है। बोले संकल्प की क्या जरूरत है? बताओ ना क्या चाहिए। बोले बगैर संकल्प तो मैं ग्रहण नहीं करता। फिर उन्होंने संकल्प किए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले मेरे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक दरबार की कमी है। मैंने देखा आपका घर में एक अच्छा दरबार बैठा हुआ, वो दरबार मेरे को दे दो। फिर तो बलि महाराज समझ गए दाल में कुछ काला है। बोले आप बताओ हे को। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। फिर जब प्रकट हुई, बोले देखो ठाकुर को तो मैं दे नहीं सकता। बोले प्रभु आप एक स्वरूप में जाओ और दूसरे स्वरूप में रहो। देखो बलि महाराज कितने बड़े, ये चीज को समझो, भगवान कितने प्रेमी वशीभूत हो गए। दान किसको दे रहे हैं? माँ लक्ष्मी को। दुनिया को जो दान देने वाली माँ लक्ष्मी के हाथ ऐसे रहती ना। हम सबके सब लक्ष्मी की आशीर्वाद चाहते हैं। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं हो ना, हम सब भिखारी बन जाएंगे, खाना पीना सब बंद हो जाएगी। इसलिए सारा दुनिया माँ लक्ष्मी की कृपा को जांचना करती है, जांचना करती है। इसलिए लक्ष्मी के हाथ ऐसे रहती है। लेकिन इनको दान दे रहे हैं। बोले क्या दे रहे हैं? बोले छोटे मोटे चीज नहीं दे रहे, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनको दान दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने बामन देव का हाथ को लिया
और लक्ष्मी को हाथ में हाथ पकड़ लिया है, बोले प्रभु आपको माँ लक्ष्मी को मैं दान देता हूँ। मतलब है भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, भगवान भक्तों के पास बीत जाते हैं। भगवान इतने बड़े दानी श्री बलि महाराज हैं। बोले श्री बलि महाराज की जय, जय श्री राधे। देखो आज ठाकुर जी उसका हाथ में कोई ये नहीं है भिक्षा करने के लिए, है ना। आज ठाकुर जी आपके पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, और ठाकुर जी को भिक्षा देने का बहुत बड़ा पुण्य है। सुदामा जी दो मुठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए आज पहला बार ठाकुर जी आपके पास में जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी से काम करना, ठीक है ना। जब इसकी मैया कौन है, तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भजते Thank you.
बच्चे को बैठा दो सामने। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हाँ देखो ब्रह्मा जी से, ये ब्रह्मा जी की परंपरा में कहते हैं कि राजा हुए जिनका नाम श्राद्ध देव है। घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, राजा बड़े दुखी है। वशिष्ठ जी से प्रार्थना किए मेरे को एक संतान प्रदान करो, तो वशिष्ठ जी एक यज्ञ करवाए। इतने में राजा की मन में इच्छा घर में एक बेटा होगा जो सिंहासन को संभालेगा, लेकिन रानी की मन में इच्छा घर में बेटी हो। बोले क्यों? बोले बेटी होगी तो माँ को मदद करेगी। जब यज्ञ हो रही थी ब्राह्मण को कानों में इनकी पत्नी जाकर के बोली, देखो अगर बेटी होगी ना मुंह माँ की दक्षिणा मिलेगी, बेटा होगा तो मेरे से दक्षिणा पकड़ा कोई कुछ नहीं मिलने वाले। अभी ऋषियों ने देखा भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, दक्षिणा बढ़िया होनी चाहिए। देखो पहले ऋषि मुनियों की मंत्र में कितने शक्ति थी, ऐसे मंत्र पढ़ करके वो खीर बनाया करते थे, जो खीर खाए बेटा होगा। ऐसे मंत्र पढ़ते थे जिसमें बेटी की मंत्र पढ़े बेटी मिल जाएगी। ब्राह्मणों ने देखा भैया केवल मंत्र को हेर फेर करना, उन्होंने बेटा का मंत्र नहीं पढ़ करके बेटी की मंत्र पढ़ दी। बेटी की मंत्र पढ़ी तो रानी को खीर खिलाए गए तो एक सुंदर लड़की हुई जिसका नाम पड़ गई एला। इतने में राजा गए विश्वामित्री वशिष्ठ जी को पास में, बोले गुरु जी मैंने कहा था घर में बेटा होने के लिए बेटी कैसे हो गई? बोले देखो घर में जो बेटी आई ना, देखना सारा दुनिया कहते घर लक्ष्मी आई, देखना बेटी जब आई क्या कहते घर में लक्ष्मी आई। सचमुच से जिस घर में बेटी होना माँ लक्ष्मी के घर में बड़ी कृपा होती है। और बेटी को जब दान करते हैं देखना मंत्र पढ़ते हैं लक्ष्मी रूपा मान कर उनको दान की जाती है लक्ष्मी स्वरूप। और जो कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई। बोले अच्छी हुई घर में लक्ष्मी आई। बोले भैया ये बात की बात है हमको तो बेटा चाहिए। इतने में देखो वो ऋषि कैसे थे, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े तो जो बेटी थी ना उनको बेटा बना दिया जिसका नाम पड़ गया सुदुम्ना। जब बड़ा हुआ ये सुदुम्ना एक दिन अपना संन्यास सामंत को लेकर के जंगल में गए थे घूमने के लिए। लेकिन वो जंगल में जब प्रवेश किए ना, वो प्रवेश करके ही जितने घोड़ा सब घोड़ी हो गए और जितने पुरुष सब के सब बन गए स्त्री और जो राजकुमार बन गए राजकुमारी। इतने में देखे हरे कृष्ण पानी भाई ना एकदम खड़े होना बीच में, जब केवल कीर्तन करे तो पानी भरे नहीं तो जब चुप जा बैठो। इसलिए बोले जिस समय तो कथा में सारा गड़बड़ी करते हो, इसलिए कभी भी कथा को बीच में ना कोई चीज नहीं देनी चाहिए। जब कीर्तन हो पानी दो, जो कुछ दो पानी उस समय देनी चाहिए। अभी उन्होंने जो बेटी थी उसको उन्होंने बेटा बना दिया। जब वो जंगल में प्रवेश किए सबके सब हो गए, सब घोड़ी सब घोड़ा घोड़ी, जितने पुरुष सब सब लड़की और राजकुमार बन गए राजकुमार। वो सबके सब अपना शरीर को देखे सबके सब लड़की इतने शर्मिंदा हो गए। बोले ऐसे कैसे हो गए? बोले वो जंगल था भोले बाबा, भोले बाबा भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, चतुस्थान शंकर जी को दर्शन करने पहुंचे। उसी समय शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे। इतने में जब वहां पर पहुंच गए चतुस्थान, इतने में माँ लक्ष्मी जो माँ पार्वती एकदम शर्मिंदा हो गई और शंकर जी को बोले ये कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो मुंह उठा करके आ जाए। शंकर जी अभिशाप दे दिए, बोले आज से ये जंगल में कोई भी पुरुष आएगा वो पुरुष नहीं रहेगा, वो सबके सब स्त्री बन जाएगा। अभी इनको पता ही नहीं था सबके सब स्त्री बन गई, वापस नहीं आ पा रहे। इतने में फिर राजा को पता चला मेरा बेटा फिर बन गई बेटी, फिर से गए वशिष्ठ को पास में। वशिष्ठ जी फिर शंकर जी को पास में गए। शंकर जी बोले देखो ऐसे नहीं, मेरा जो अभिशाप ऐसे नहीं, हाँ हंसी दिले की विषय नहीं हो जाए, इतना कर सकता हूँ तुम्हारा बेटा एक महीना रहेगा बेटा और एक महीना रहेगी बेटी, इतने तक कर सकता हूँ। बोले इतने से कर दो। हाँ देखो भगवान की किस अद्भुत माया है, जब वो बेटा हुआ उसकी शादी बुध को साथ, जब बेटी हुई उसकी शादी हो गई बुध को साथ में, जब बुध को साथ में शादी हुई उससे जो संतान जन्म हुए उसी परंपरा में आया चंद्रवंश, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण स्वयं आए। जब वो बेटा था फिर उसकी शादी हुई,
जब शादी हुई उससे जो संतान हुई उसकी परंपरा में चली ये सूर्य वंश जिसमें भगवान स्वयं राम आए। एक व्यक्ति से दो परंपरा आई, एक में राम और एक में भगवान कृष्ण। ये अद्भुत प्रभु की एक माया है। अभी भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे। कल यद्यपि ये चंद्र सूर्य वंश में बहुत सारे राजा लोग तो आए, लेकिन दो जो भगवान आए सबसे प्यारे कौन, एक कृष्ण और एक राम। इनकी जो कथा सबसे प्यारी कथा है, वह भगवान की कथा बड़ा मीठी कथा है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान की जितने सारे लीला है ना, स्वरूप है, वो सब के सब मधुर है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य एक मधुराष्टक लिखते हैं, बोले अधरंग मधुर पतनंग मधुर नयन मधुर भगवान मीठा ही मीठा, जैसे रसगुल्ला है ना, जिधर खाओ उधर मीठा है। उनका चलना मीठा, बोलना मीठा, देखना मीठा, सब उनको मीठा। इसलिए वेद उनको कहता है रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवति। भगवान कौन है, जैसे कहता है रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला कब होता है, जब गुल्ले को रस में डुबा दो क्या हो जाएगा, रसगुल्ला। क्या भगवान ऐसे बोले, नहीं ऐसे नहीं, भगवान भगवान स्वयं ही रस स्वरूप है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए जो भगवान की जो कथा बताए, बोले तीन गंगा है, कहते एक गंगा रहती है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है। कहते मरते जगत में एक गंगा बहती है जिसका नाम है भागीरथी, जो ये मरते जगत को कल्याण करती है। एक गंगा रहती है पाताल में जिसका नाम भोगवती, जो कि पाताल लोगों को कल्याण करती है। बल उसी तरह जो कृष्ण कथा तीन लोगों को पवित्र करती है, बल किसको किसको, जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और जो प्रश्न करने वाले, ये तीन लोगों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। इतने कृष्ण कथा में मधुर है, जो आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी चतुसन भी जब भगवान की कथा सुनते हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान की कथा में। जिस समय ये कंस ने बड़े अत्याचार पृथ्वी को करने की, बोले मेरे देश में कोई भगवान का नाम नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, बड़े अपना पिताजी को उसने बंदीशाला में डाल दिए। सारे देवता लोग जाकर के ब्रह्मा शंकर देवता जाकर खीर समुद्र प्रार्थना करते हैं, बोले हे प्रभु आप प्रकट होकर के कंस को बंद करो, आकाशवाणी हुई चिंता मत करो, हे देवताओं तुम सब जदुकुल में जाकर जन्म लो, हे देविया तुम लोग जाकर गोपी वंश में जन्म ग्रहण कर लो, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। एक दिन कंस अपना बहन देवकी को साधित वसुदेव महाराज के साथ में कराए, तुम दोनों चली जाओ, आप दोनों चली जाओ जाकर सदस कर बैठो, मैं जब बुलाऊंगा बच्चों को लेकर आओ, इनको साथ में ले जाओ। तो वो कहाँ गया प्रभु जी, ब्रजवासी प्रभु जी पीछे बैठे, हाँ आप ये दोनों को ले जाओ। शिवा प्रभु जी कहाँ गए, ये दोनों को लाकर अच्छे से सजा करके जब मैं बुलाऊंगा तो मेरे को वहां से ले जाओ, जा आप उस तरफ में चले जाए, दोनों आप चले जाओ, अब दोनों चले जाओ, सजा देना अच्छे तरह से, ठीक से जाओ, तुम दोनों चले जाओ उधर। हरे कृष्ण। अभी श्री जब शादी करवा करके ले जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे मोरा कंस, पगड़ी बढ़ाने के लिए बोले रे मोरा कंस, जिस देवक को तुम इतने आनंद पूर्व का शादी करा के विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बन करके जन्म लेना पड़ेगा। इतने में कंस ने देखा ही तो देवता का भाई झूठा नहीं होगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब उसने मारने के लिए गया
वसुदेव महाराज ने किसी तरह से उनका साम दाम दंडन नीति भेद से उनका समझाने के लिए कोशिश किया, तो उसे किसी तरह से उसने समझा नहीं। बोले देखो ये भी मरेगा कि नहीं? बोले हाँ मरेगा। जब मरेगा तो फिर अपना बहन को क्यों मार रहे हो? ये पाप को क्यों ग्रहण करोगे? बोले आकाशवाणी नहीं सुने? बोले हमने सुनी है। इतने में वसुदेव ने कहा देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे जितने सारे संतान तुमको एक एक करके देखूंगा, सबको तुम मार डालना, लेकिन तुम ये देवकी को मत मारो, ठाकुर जी की माया उनने छोड़ दी। इसलिए उनको पहला बेटा जो कीर्तिमान हुआ बच्चे को लाकर दे दिया। वो इतना खुश हो गया, बोले अपना बेटे को काल को हाथ में, बोले तू इसको ले जा, इससे मेरे कोई डर नहीं, अष्टमक संतान से मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों? बोले भगवान कब आएंगे जो पाप की घड़ा भर जाए है, और इसके हृदय में तो दया की भावना आ रही है, ठाकुर आने में लेट करेंगे। इसलिए उन्होंने जाकर कंस को भड़का दिया। भड़का दिया तो कंस ने एक एक करके छह बच्चों को मार डाले। जब छह बच्चों को मार डाले, अभी सप्तम गर्भ में सिर्फ बलदेव प्रभु आने वाले है और अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए। अभी प्रश्न है ये अष्टम गर्भ में कृष्ण क्यों आए? देखो अभी ध्यान देकर सुनो, ये बहुत अच्छी बात है कि पहला बार जिंदगी में सुनो। भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए? कहते भक्ति का आठ स्टेजेस है, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ये भक्ति की आठ सीढ़ियां हैं, और जो अंतिम जो सीढ़ियां है ना ये प्रेम है। और भगवान कब दर्शन देते हैं? कहते बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? बोले श्रद्धा से। ये पहला स्टेज है श्रद्धा। जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा भावना है तभी यहाँ पर आकर कथा सुन रहे हो, ये भक्ति का सबसे पहला स्टेज है। दूसरी स्टेज कथा सुन रहे हो, भक्तों का संग से कथा सुन रहे हो। तीसरा स्टेज है जब पता चलता है हम कौन है, बोले हम सबको भगवान की संतान है, भगवान को भूलने के नाते संसार में दुख कष्ट उठा रहे हैं। फिर पता चलता है कैसे ठाकुर मिलेंगे, बोले भक्ति से। तो तीसरा जो स्टेज है भगवान की भक्ति व साधन। बोले जो चौथा स्टेज है जब भगवान की साधन भजन करेंगे, हमारा हृदय में जो काम क्रोध अनर्थ है ये सबके सब दूर होंगे। बोले पंचमा स्टेज में बोले वहां पर आएगी रुचि। रुचि मतलब होता है जैसे बढ़िया कोई सब्जी, कोई सब चीज बने, बोले और थोड़ा दो, बहुत बढ़िया बने और थोड़ा दो, इसको कहते रुचि। इसका मतलब है जब हृदय से ये सब गंदी चीज हट जाएगी, भगवान की भजन इतने मीठा लगेगी, इतने अच्छी लगेगी, बोले भैया और थोड़ी भजन करें, और थोड़ी भजन करें। उसको जो छठवां स्टेज है बोले निष्ठा। निष्ठा मतलब जैसे मीरा है, जब मीरा ने भगवान की भजन की, जीवन में कितने बाधा विपत्ति आई लेकिन उसने अपना भजन को कभी नहीं छोड़ा, दुनिया को त्याग दिए, लेकिन प्रभु की मीरा अपना गिरधर को भजन नहीं छोड़े, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, बोले निष्ठा है। उसको बाद में आसक्ति व भाव है। भावावस्था में कहते भावावस्था का जो लक्षण बताइए, बलदेव प्रभु सप्तम स्टेज में आए। ये बलदेव प्रभु ये गुरु तत्व है, प्लाट भर में भगवान को जो धारण करने वाले श्री बलदेव प्रभु ये सप्तम स्टेज में आते हैं। बोले इसका क्या लक्षण है? बोले इसका लक्षण बताए, अष्टम स्टेज में साक्षात प्रभु का दर्शन है, सप्तम स्टेज में उदाहरण दिया, कभी कभी भगवान की बंसुरी की मीठी मीठी आवाज सुनने को मिलती है, इसलिए कान को कभी कभी ऐसे खड़ा कर देता है। कभी कभी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की जो छमछम आवाज उसको सुनाई पड़ती है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी आकर हमें स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी उनका रोंगटे खड़े हो जाती है। उसको कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मानो ठाकुर जी आए और अपना आधरा मृतक को हमको पिला करके चले गए। कभी कभी ठाकुर जी जब उसको सामने प्रकट होते हैं उनके तेज से एकदम आंख चकाचौंध हो जाती है। कहते ये सप्तम स्टेज ये भाव है। कहते अष्टम स्टेज में बोले साक्षात भगवत दर्शन। फिर जब जीव को भगवत दर्शन हो जाए फिर ये संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अष्टम स्टेज जो छह बच्चों को मारे, ये छह बच्चे कौन है? कहते जो छह बच्चे है ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। बोले ये कंस कौन है? बोले ये भय। हम भक्ति क्यों करते? भय से। अगर भजन नहीं करेंगे फिर वही 84 लाख जन्मों में जाना पड़ेगा, इसलिए भय से भक्ति करते हैं। और सप्तम गर्भ में दाऊ भैया और अष्टम गर्भ में कृष्ण कन्हैया, इसलिए
जब भगवान कृष्ण गर्भ में आए कंस को देखकर कितने डर गया, वे काल आ गया भी। अभी तीन रात कृष्ण की चिंता नहीं करता है, अभी भगवान आने वाले सारे देवता लोग आकाश में प्रकट हो गए और भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी मिलितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता स्तुति करने के लिए, प्रभु आपका प्रतिज्ञा सत्य है। आप बोले थे ना जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतो, सचमुच से आपका प्रतिज्ञा सत्य है। हम आ रहे हैं, आपका धाम सत्य, आपका भक्त सत्य, आपका सबके सब सत्य, आप त्रिसत्य सनातन आप हो। इसलिए भगवान अभी आने वाले, देखना जब कोई अगर मोदी यहाँ पर आए ना, देखना उसके लिए कितने स्वागत है, कैसे उसके लिए पैंडल बनाएंगे, गेट बनवाएंगे। साधारण मोदी आए तो उसके लिए इतने स्वागत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक आ रहे तो उसको कितने स्वागत नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उनकी स्वागत कर रहे हैं। है कभी ये पृथ्वी कितने खुश हो रही थी, बोले भैया पृथ्वी भी खुश हो रही थी। बोले सत्य युग में बराह अवतार में प्रभु जी मेरे को उत्तोलन किया, पत्नी बनाई। और अभी बामन भगवान आए थे ना, अपना चरण से पृथ्वी का नाप लिया था। अभी तृतीया युग में भी मेरे ऊपर में ठाकुर को कृपा की। बोले कैसे, माता सीता की आप लोग बताओ, माता सीता कहाँ से प्रकट हुई थी? धरा से, धरा पृथ्वी से। और सीता के साथ में प्रभु राम की शादी हुई, अब बता राम को साथ में पृथ्वी का संबंध किया है। पर बोला के हाथ उठा, फेल हो गए, सास हाँ उनकी सासु हो गई। इसलिए बोले तृतीया युग में भगवान हम पृथ्वी को भगवान सासु बनाया, और सत्य युग में बामन अवतार में पृथ्वी को मापे और पृथ्वी को उधार की। अभी द्वापर युग में जब कृष्ण आएंगे वही पृथ्वी ये सत्यभामा बनकर कहा रहे, कहते मेरे को भी अपना पत्नी बनाएंगे, पटरानी बनाएंगे ठाकुर जी। और भगवान नंगे पैर में पृथ्वी के ऊपर में भ्रमण करेंगे कृष्ण अवतार में। पृथ्वी की आनंद की सीमा नहीं, इतने प्रसन्न हो रहे थे पृथ्वी। कहते ये जो पृथ्वी पे जितने लता पता है प्रसन्न हो रहे थे। बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे ठाकुर जी, कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला करेंगे। अगर हम कुंज लता पता बने रहेंगे तो ठाकुर का दर्शन होगा। इसलिए सारे कुंज लता पता प्रसन्न हो रहे थे। बोले जमुना पटरानी खुश हो रही थी। बोले क्यों? कलकलनाद से जमुना त्रिशी कलकलनाद करते करते बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब लोग ये व्रत रखे हो, कोई आवाज नहीं दी। हाँ जोर से बोला भगवान आ रहे हैं ना, जितने जोर से अब ठाकुर का जयकार दोगे ना, ठाकुर का थोड़ी जय जयकार हमारी है, जो जितने जोर से जय देगा उसका उतना पाप खत्म हो गया, अब उतना ही पुण्य होगा। भगवान आने वाले नहीं, अभी नहीं, अभी दो इसलिए सारा दुनिया में जमुना नदी तो कलकलनाद से जमुना नदी, तो कलकलनाद से ये जमुना नदी प्रवाहित हो रही थी। जमुना क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले भगवान मुझे अपना सखी ये जो कालिंदी है, जब ये मथुरा में जाएगी कृष्णा पटनानी बनेगी, और जब ये वृंदा आकाश में जो रगड़ शब्द हो रहा था, इतने में चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा ऊपर में और नीचे मेघ है। इतने में चंद्रमा और मेघ में जो लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले मेरे सामने हट जा, मेघ को बोले। बोले क्यों हटेंगे? बोले तेरे को पता नहीं आज भगवान मेरे वंश में आ रहे। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं भगवान मेरे कलर लेकर के आ रहे, मेरे रंग को लेकर के आ रहे। बोले तेरे रंग तो लेंगे लेकिन वंश में तो मेरे आएंगे ना, तेरे से ज्यादा हम पुण्यात्मा है। देवता लोग बोले भैया अभी तो लड़ाई करने का समय नहीं, अभी आनंद लेने का समय, तुम भी आनंद ले उसको भी आनंद लेने दो, थोड़ा तो हट जा। इतने में भगवान जब आए, भगवान जब राम आए, कितने बजे प्रभु राम आए थे? कितने बजे राम आए थे? 12 बजे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णना करते हैं जब भगवान राम अवतीर्ण हुए दिन दो फर में, वो एक महीना तक वहां पर ऐसे उत्सव चले। इतने में चंद्रमा तो दुखी होकर के रो रहे थे। भगवान राम बल रो रहे क्यों? बोले रोएंगे नहीं क्या हंसेंगे? देखो भगवान आज जन्म हुए सारा दुनिया नाच रहे,
केवल मैं ही वंचित हो, केवल तुम ही नाचना। बोले कैसे नाचेंगे, देखो ये सूरज को वो एक महीना से वहीं पर खड़ा हुआ, जब तक ये सूरज नहीं जाएगा मैं कैसे आ सकता हूँ। प्रभु मैं तो वंचित हो गया। बोले चिंता नहीं, अगली बार तेरे वंश में आएंगे। बोले प्रभु पता नहीं कब आओगे, देखा जाएगा है। बोले चिंता नहीं, मेरा नाम तो होगा राम, लेकिन मेरे नाम से तेरे नाम को जोड़ दूंगा, दुनिया मेरे को रामचंद्र कहेगी। खुश हो प्रभु, बड़े खुश हो, बड़े खुश हो गए। इसलिए सारा दुनिया आनंद कुमारे नाच रहे गा रहे। बस भगवान देवकी वसुदेव को है कहते कंस का कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया जब भगवान प्रकट हुए, इतने में वसुदेव महाराज बोले प्रभु आपको मैंने बालक रूप में प्रार्थना किया था, आप तो ये चतुर्भुज रूप में लेकर प्रकट हो गए। बोले पूर्व जन्म में तुम कृष्ण और सुतपा थे और तुम लोगों ने कठोर तपस्या की, केवल वृक्ष से जो सूखे पत्ते गिरते थे खा खा करके। जब मैंने कहा वर मांगो, मेरे जैसे पुत्र की प्रार्थना की, बोले मेरे जैसे तो कोई होता नहीं, मैं ही स्वयं आ जाऊंगा। इसलिए देखो एक काम करो, मेरे को गोकुल में लग करके खाना, वहां पर एक बेटा वहां पर एक बेटी जन्म हुई, मेरे को देख करके वहां से बेटी को ले आना। बोले प्रभु हथकड़ी बेड़ी पड़ा हुआ है, ताला पड़े हुए, पहरादार है, हम कैसे ले जाएंगे। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को सड़कों पर रखना, फिर देखना दरवाजा खुल जाएगी, हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, पहरादार सो जाएगी। देखो ठाकुर जी एक अच्छी बात सिखा देते हैं, हम कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी सिखा देते हैं जैसे घर में कोई भी उत्सव करो, पहले क्या करो ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी के लिए जैसे हम अपने लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी और बच्चों के लिए कपड़ा खरीदी करते हैं, पहले ठाकुर के लिए पहले वस्त्र लो, अपना लिए नहीं पहले ठाकुर के लिए वस्त्र लो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर का कीर्तन करो, ठाकुर को सामने रखकर कोई भी काम करोगे ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, देखना सारे दरवाजा खुल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएगी ठाकुर। इसलिए सर पर रखते ही सारे हथकड़ी बड़ी खोल गई, दरवाजा खोल गया, पहरादार सो गए, रिमझिम बारिश हो रही थी, बलदेव अनंत नाग रूप में रखा कर रहे थे और करते करते आ गई यमुना नदी। अभी यमुना में चाह रही है ठाकुर का चरण स्पर्श करे, पानी उफरना शुरू हो गया। इतने में तो वसुदेव महाराज डर गए, उन्होंने जो सूप था ना उसको ऊपर उठा दिया, बोले कोई हो तो ले लो, अभी भी मेरे गांव का नाम है तो ले। फिर उन्होंने लेकर गोकुल में पहुंचे और वहां पर रखे बेटे को, और बेटे को लेकर आ जाते हैं मथुरा में। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। आज तक हम लोग ने सुना मथुरा में कृष्ण कैसे प्रकट हुए, इधर देखो कल सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला होकर के जन्म लेते। ये जो कथा है ना बहुत प्यारी कथा, अगर जल्दी जल्दी आओगे तो फिर कथा को सुनोगे, एकदम नई कथा को सुनोगे, कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। और कल राधा रानी जन्म होगी, इसलिए कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे, गुलाबी साड़ी पहन करके ना, अरे कल से राधा रानी की कथा सुनेंगे, राधा रानी की जन्म उत्सव मनाएंगे, उनको ले आओ जा साथ में। गुरु कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, स्वागतम कृष्ण, कोई टप्पी लाए हो, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, भगवान आ रहे हैं, सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
Let me tell you something.